आप सब लोग अपने चैनल में तहे दिल से फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आपको टाइटल और थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि मैं आज किसके ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो जल्दी से टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपनी वीडियो चालू करते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे एक लाइक करना और एक प्यारा सा कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आपको ऐसी नई से नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, हम अपनी जल्दी जल्दी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज मैं इस वेगा के हेलमेट की अनबॉक्सिंग आपको करके दिखाऊंगा, जो कि आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा कि मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये वेगा का हेलमेट है, अभी मैं इसको निकालता हूँ। ये मैं कल लेके आया था, मतलब कि संडे को लेके आया था और मैं वीडियो बना रहा हूँ आज के दिन। तो जल्दी से जल्दी हम इसको अनबॉक्स करते हैं, इसको निकालते हैं। तो हमने पहले बॉक्स खोल के देख लिया था बिकॉज़ कहीं अंदर स्क्रैच वगैरह ना लगे हो, टूटा वूटा ना हो, तो इसे जल्दी से हम निकाल लेते हैं। तो इसे अब हमने बॉक्स से निकाल लिया है। तो ये वेगा का इसके अंदर आता है, इसके पॉलीबैग सा दे रखा है इसमें। तो और कुछ था नहीं, बस ये खाली बॉक्स और देन ये है। अब इसको भी हम निकाल लेते हैं। तो इसको पहले हम साइड में रख देते हैं, साइड में रख दिया। अब इसको हम आराम से, तो इसे अब हमने उसके रैपिंग के अंदर से निकाल लिया है। तो आपको दिख ही रहा होगा ये हेलमेट कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये बनी है वेगा का, जो कि मुझे आगे अपनी मोटो व्लॉगिंग में बहुत ही ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ने वाली थी। और ये बैक साइड से इसका व्यू ऐसा है, बोल्ट बनी इसका हेलमेट का नाम है। तो ये भी मेरे को सही पड़ गया, ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ा और सही भी लग रहा था मुझे। और अभी तो स्टार्टिंग थी तो इतने ज़्यादा तो पैसे नहीं थे, इसलिए अपने हिसाब से, औकात के हिसाब से हमने ये चीज़ परचेज करना अच्छा लगा। तो इसे हमने देखा तो इसमें जो जो मोटो व्लॉगिंग में ज़रूरत पड़ने वाली थी वो सब की ज़रूरत पड़ी यहाँ पे। इसकी पैडिंग भी बहुत ज़्यादा हैवी है, रिमूवेबल भी है, ये निकल भी जाती है पैडिंग इसकी। और यहाँ पे ये जाली दे रखी ताकि एयर वगैरह अंदर ना आए। और यहाँ पे पूरा फिट है और अंदर से आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे पैडिंग। मेन चीज़ सबसे ज़्यादा मोटो व्लॉगिंग में हेलमेट ज़रूरी होता है बिकॉज सेफ्टी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अभी हेलमेट लेके आए हैं, फिर गियर वगैरह भी लेके आएंगे हम जो बाइक पे वो पहन के चलानी है बाइक। तो अभी हम इसको यहाँ पर हम अपना GoPro माउंट करेंगे, उसकी भी मैं आपको आगे वीडियो बना के दिखाऊंगा। तो बस मेरे को आज अपनी वीडियो में आज इस प्यारे से हेलमेट की अनबॉक्सिंग करके दिखानी थी। मुझे भी अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना था। आप मेरी यूट्यूब फैमिली हैं प्यारी सी, तो मैं अपनी फैमिली को तो पहले बताऊँगा ही। तो ये हमारा हेलमेट, सब लोगों ने देखा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये मेरा प्यारा सा हेलमेट कैसा लगा। इसकी यहाँ पे रैपिंग लगी है, उसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। ये निकाल दिया और ये देखिए मेरी इसमें शक्ल आ रही है, मैं फोन से वीडियो बनाते हुए ना देख रहा हूँ। तो काफी ज्यादा बहुत प्यारा हेलमेट लग रहा था, मैंने हेलमेट पहन लिया है। तो शायद आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये मेरे ऊपर और कैसा लग रहा है। तो ये मेरे पूरे हेलमेट है और इसका शीशा भी ठीक ही है, वैसे हल्का हल्का फेस भी नज़र आ रहा है बिकॉज रात में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। आई होप आप सब लोगों को मेरी आवाज़ आ रही होगी। और यहाँ से एयर का दे रखा है, यहाँ पर भी है, पीछे भी है, तो ये काफ़ी ज़्यादा है, हिलता भी नहीं है, पूरा ही पैक हो रखा है ये। और सेफ्टी भी है, देख लिया आप कि इसकी पैडिंग जो है कितनी मोटी है, एकदम पूरा हेलमेट भी हिलेगा नहीं, ताकि हम ज़्यादा बेतेज बाइक चलाएं और उससे हेलमेट की वजह चला चलाते चलाते घूम जाए ऐसे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से ये एयर जिन के लिए भी है। तो बताना मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि कैसा लगा आपको ये हेलमेट। इसको उतार लेता हूँ, मेरे बाल खराब हुए, मेरी हेयर स्टाइल खराब हुई थी, अब मैं इसको रिमूव कर दूँगा।
काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा हेलमेट लगा मेरे को, ये अच्छा हेलमेट लगा मेरे को। और इसकी 3 साल की वारंटी भी है, तो वारंटी भी कुछ काम की नहीं है, बट वो ये टूटने की वारंटी, जब अगर हेलमेट टूट जाएगा तो इंसान ही काम हो जाएगा तो वही गारंटी मिली थी। तो ये मिली वीडियो आज की हेलमेट की अनबॉक्सिंग की वीडियो, आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, और इस वीडियो को ना लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये आपको हेलमेट कैसा लगा। अभी हम इस पर GoPro भी माउंट करेंगे, तो उसकी भी वीडियो मैं लेके आऊँगा, माउंट करूँगा तो मैं उसकी पूरी वीडियो लेके आऊँगा कि कैसे क्या मैंने माउंट किया। तो फिर अभी मोटो व्लॉग भी स्टार्ट होने वाला है, फिर हम धीरे धीरे अपनी राइड भी चालू करने वाले हैं, तो फिर उसके बाद अपनी वीडियो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज बाय बाय।